हाय फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे यूफोरबिया का कलेक्शन। ये सारे हमने कटिंग से ग्रो किए थे। पहले मैं इसका एक प्लांट नर्सरी से ले आई थी, फिर मैंने उससे कटिंग करके ये सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं और ये अच्छे से ग्रो हो गए हैं। यूफोरबिया कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है। ये देखिए हमारे अमरूद का प्लांट, इसको मैंने एक टब में लगाया हुआ है और इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग भी हो चुकी है। अब इसमें फिर से फ्लावर्स आए हैं और अब फिर से फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए हमारे फ्रूट्स आ रहे हैं। ये देखिए हमारे हिबिस्कस की वैरायटी, उसमें भी अच्छी सी बर्ड्स आ रही हैं। ये हमारे हिबिस्कस का कलेक्शन है। ये येलो कलर का हिबिस्कस है, यहाँ पर रेड, पिंक, पर्पल सभी कलर के हिबिस्कस हैं। ये देखिए मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसमें भी फ्लावर्स आने वाले हैं, बर्ड्स आ रही हैं इसमें बहुत सारी। ये देखिए ये हमारा पर्पल कलर का हिबिस्कस है, इसमें भी देखिए बर्ड्स आ रही हैं। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आती हैं। ये देखिए ये हमारा एगेव का प्लांट है, ये हमारे रोज, रोज में भी इस तरह बहुत अच्छे से बर्ड्स आ रही हैं। ये सारे रोज लगे हुए हैं हमारे। ये भी हमारे सारे रोज का कलेक्शन है। ये देखिए ये सारे छोटे छोटे गमलों में जो प्लांट्स लगे हुए हैं सारे रोज के हैं, ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। ये सारे रोज लगे हुए हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक। ये देखिए हरसिंगार का प्लांट है, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। ये बहुत ही शुभ प्लांट माना गया है हिंदू धर्म में, लोगों को इसको ज़रूर लगाना चाहिए घर में। ये हमारा सनी का प्लांट है, सनी के प्लांट में भी फ्लावर्स आते हैं लेकिन अभी फ्लावर्स आ नहीं रहे हैं, पिछले साल इसमें फ्लावर्स भी आए थे। ये भी बहुत शुभ प्लांट माना जाता है, इसको भी घर में लगाना चाहिए। ये जलवाहार का प्लांट है, इसमें मार्च के सीज़न में फ्लावरिंग होती है। ये हेमेलिया पेटेनस है, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। ये हमारा मनोकामनी का प्लांट है, इसमें पता नहीं क्या हो गया है, इसमें फ्लावर्स भी नहीं आ रहे हैं और लीव्स भी बहुत छोटी छोटी आ रही हैं, शायद इसमें कोई रोग लग गया है। ये लहसुन बेल है, इसको गार्लिक बेल भी कहते हैं, गार्लिक बाइन, इसमें भी पर्पल कलर का फ्लावर आता है। ये अशोक का प्लांट है, मैं ये बेलपत्र का प्लांट है, ये भी बहुत शुभ प्लांट माना जाता है, इसको भी हम लोग अपने घर में लगा सकते हैं। ये देखिए अंगूर का प्लांट है और इसमें अंगूर भी लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हम नर्सरी से लाए थे, ये ग्राफ्टेड पौधा है, इसमें अभी फल भी आने लगे हैं। ये देखिए हमारा मिर्च का प्लांट, इसमें देखिए कितनी सारी मिर्च आई हैं और इसमें फ्लावर भी बहुत सारे आ रहे हैं। ये देखिए हमारी सेम की बेल ऊपर लगी हुई है, इसको मैंने ऐसे ऊपर लगा दिया है जिससे ये बाकी सारे प्लांट्स को शेड देगा। और यहाँ पर हमारी तरोई की बेल लगी हुई है, इसमें तरोई भी लगी हुई है, हम
देख सकते हैं। इसको मैं बीच से ग्रो किया था, आप भी कटिंग या बीच से दोनों से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पान का प्लांट, इसमें बहुत सारी लीव्स आई हुई हैं पान में। अभी बारिश हुई है ना तो इसके पत्ते गंदे हो गए हैं। इसको भी हम कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसको कटिंग से ग्रो करने के लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। पान कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। ये हमारा गुलाचीन का प्लांट है, इसको हमने कटिंग से ग्रो किया था। इसका बड़ा प्लांट आपको दिखाते हैं, वहाँ पर लगा हुआ है। इसको हमने बड़े टब में लगाया हुआ है। ये एक छोटा सा पौधा नर्सरी से लाया था, बहुत बड़ा हो चुका है। ये देखिए हमारा कनेर का प्लांट, ये देखिए हमारा कनेर का प्लांट कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। ये टब में लगा हुआ है। हमारा अलामांडा का प्लांट कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है इसमें इस समय। इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसमें बर्ड्स भी बहुत सारी आ रही हैं। और इसकी पिंचिंग करके मैंने इसमें देखी कितनी सारी ब्रांचेस आ रही हैं। पिंक कलर का है, इसमें देखिए कितनी अच्छी ब्लॉमिंग्स आ रही है।